नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम आपको हल्दी के कुछ ऐसे चमत्कारी फ़ायदों के बारे में बताने वाले हैं जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। और ना केवल आप इसे आज से इस्तेमाल करेंगे, आप अपने दोस्तों और मित्रों को भी ज़रूर बताएंगे। दोस्तों, हल्दी एक रामबाण इलाज है जो ना केवल आपकी खांसी से लेकर साइनस ठीक करता है, परंतु ये आपके शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। दोस्तों, सर्दी खांसी और बुखार जैसी बीमारियों को आप जानते हैं इस मौसम में होना काफ़ी आम है। ऐसे में हल्दी का इस्तेमाल कर आप दवाइयों पर पैसे खर्चने से बच सकते हैं, और ये बहुत ही मामूली सी औषधि है जो हर किचन में पाई जाती है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अभी के अभी नीचे जाके लाल बटन को दबाकर अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर आपके लिए लाते हैं ज़बरदस्त टिप्स जिससे आप घर पर ही अपनी औषधि बना सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, बिना वक्त गंवाए हम डायरेक्ट आते हैं नुस्खे की तरफ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मौसम बदल रहा है। सर्दी खांसी और बुखार होने की बीमारी इस मौसम में काफ़ी हो जाती है। ऐसे में हल्दी का इस्तेमाल कर आप दवाइयों पर पैसे खर्चने से बच सकते हैं। इसके बेशुमार फायदे हैं, लेकिन कुछ फ़ायदे जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो ये है। फ़ायदा नंबर एक, सर्दी जुकाम ठीक करें। दोस्तों, हल्दी एक ऐसी हर्ब है जो ना केवल सिर्फ सौंदर्य को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, परंतु आपको सेहतमंद बनाने का भी ये बहुत ज़्यादा काम करती है। अभी मौसम बदल रहा है जिसके कारण कई लोगों को सर्दी खांसी की समस्या हो जाती है। ऐसे में लोग एलोपैथी की जगह अगर हल्दी का इस्तेमाल करें तो हल्दी इन सभी बीमारियों के लिए यानी सर्दी और जुकाम के लिए अचूक उपाय है, और इससे आपकी खांसी की समस्या दूर हो जाएगी। साइनस करे ठीक। दोस्तों, हल्दी का दूध पीने से सांस से जुड़ी हुई समस्याएं जैसे साइनस, दमा, ब्रोंकाइटिस और बलगम की परेशानी बहुत ही दूर हो जाती हैं, और इससे बहुत आराम मिलता है। सर्दी खांसी के दौरान जब नाक बंद हो जाती है और साइनस के मरीजों को काफ़ी दिक्कत होती है, ऐसे में इस बंद नाक से छुटकारा पाने के लिए हल्दी में अगर आप शहद और काली मिर्च मिलाकर सेवन करें तो इससे मौसमी बुखार से छुटकारा मिलने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। इम्यून सिस्टम बनाए मजबूत। जी हाँ, हल्दी को एक बेस्ट एंटीबायोटिक माना जाता है। इस कारण शरीर को क्लीन रखने के लिए यानी साफ रखने के लिए एक चुटकी हल्दी का सेवन करने पर काफ़ी लोग जोर डालते हैं। इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और बीमारी होने की आशंका भी कम होती है। गठिया में मिलता है आराम। दोस्तों, हल्दी का दूध पीने से जख्म जल्दी भरते हैं, ये हर व्यक्ति को मालूम है, लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि नियमित तौर पर हल्दी का दूध पीने से भविष्य में गठिया होने की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है, और अगर किसी को गठिया है भी तो उससे भी आराम मिलता है। हल्दी का दूध पीने से गठिया से होने वाली सूजन और दर्द भी कम होती है, इन्फेक्शन नहीं होने देता। जी हाँ, अगर मौसम बदलने के दौरान कीड़ मकोड़ों के पनपने से आपको इन्फेक्शन हो जाता है या छोटे जख्म से भी आपको इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, तो हल्दी आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होती है। हल्दी आपकी त्वचा को हेल्दी रखती है, जी हाँ, और कोशिकाओं को सेहतमंद बनाए रखती है जिससे इन्फेक्शन त्वचा में नहीं फैलता। दोस्तों, ये थे कुछ बहुत ही कारगर और फायदेमंद फायदे इस मामूली से हल्दी दिखने जो दिखती है हल्दी इसके। दोस्तों, ये हर किचन में पाई जाती है, परंतु बहुत कम लोगों को पता है कि इसका सही इस्तेमाल कैसे करना है और इसके क्या क्या फायदे हैं।
तो दोस्तों आज हमने जो हमने फ़ायदे आपके साथ शेयर किए हैं, आप इसे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करें और आप इस हल्दी का भरपूर फ़ायदा उठाएं। ये बहुत ही कारगर है और आपके ना केवल सिर्फ पैसे बचाएगी दवाइयों के खर्च से, परंतु आपको सेहतमंद भी रखेगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप इसे कमेंट के माध्यम से हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें। हम जल्द मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।